हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है, और मैंने आपको क्लीन एंड क्लियर टारगेट भी दिए थे 11,450, 11,460। आज आपने देखा 11,447 तक निफ्टी गया, उसके बाद सेकेंड हाफ में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। अब अगर आप देखो ओवरऑल सेटअप जो है वो वापस नेगेटिव हो चुका है, और डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से 11,200 तक निफ्टी आ सकता है ये लेवल तक, और अगर ये लेवल भी सस्टेन नहीं करता है तो 11,000 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है। सो 11,000 एंड 11,200 ये दो टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में। सो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होता है, तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी भी अगर आप देखो 23,100 तक जाके आया, और उसके बाद शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है 22,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ से 600-700 पॉइंट का फॉल और हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई गैप डाउन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको एक्सिस बैंक बाय दिया था 467 के ऊपर। इसमें बाइंग लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ है, क्योंकि 462 का है बना के ये फॉल हुआ है। मैंने आपको मुथूट फाइनेंस, और ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस था, और ट्रेड ऑफ द डे था पीवीआर। पीवीआर में आपको काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि मैंने 1342 के नीचे सेल दिया था, और आप देख सकते हो 1266 का लो बनाया है। सो डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है पीवीआर में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यस वी मेड सम प्रॉफिट इन पीवीआर। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा एसीसी। एसीसी का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। आप देख सकते हो ये बड़ा फॉल आया था, ये हॉल्ट हुआ, हॉल्ट कैंडल्स थी, उसके बाद वापस एक शार्प फॉल देखने को मिला है, और ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल। मुझे लगता है 1280 तक आ सकता है एसीसी। 1280 भी टूटता है तो 1250 तक भी आ सकता है। 1280 से लेके 1250 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एसीसी में। इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। सेकेंड स्टॉक होगा एशियन पेंट। एशियन पेंट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी एक्सट्रीमली नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसका हाई जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये कंटिन्यूसली एक रेंज में चला गया है। अगर इसमें नीचे फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज का जो कैंडल है वो रेड कैंडल है, ब्रेकडाउन कैंडल है। अगर इसका लो टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में मुझे शॉर्ट की तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, यहाँ पे हॉल्ट किया इसने, वापस इसने फॉल दिखाया। आज का जो कैंडल है वो बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव कैंडल है, और इसका अगर लो टूटता है तो मुझे लगता है एक शार्प फॉल हम देखने को मिल सकता है, और 270 तक पॉसिबल है ये लेवल से, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट देखने को मिला था। सो 270 तक आ सकता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट की तरफ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।